मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, ऐसा है कि लेकिन सबसे पहले ये बात कांग्रेस को ही समझनी पड़ेगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की कमी उनमें है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय काउंटिंग शुरू हुई थी उस समय हमारे जो रिपोर्टर हैं महाराष्ट्र के विलास, तो विलास ने एक बात पॉइंट आउट करी थी कि इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में कांग्रेस फाइट करती हुई दिखाई नहीं दी। और लेकिन ये जब बात कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन से उन्होंने सुनी तो उन्होंने काउंटर करी बड़ा अग्रेसिव होके कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने तो बहुत अच्छी फाइट करी, रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये फैक्ट है। और हमें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मिली है, हमारे रिपोर्टर्स ने जो बताया, अगर हम झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में जो सारा 80-90% जो कंट्रीब्यूशन है, अगर कांग्रेस को भी जो सीटें मिली हैं वो भी हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ जिस तरीके से वहाँ उन्होंने कंपेनिंग करी, अग्रेसिव तरीके से उन्होंने वहाँ करा, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को उसका फ़ायदा वहाँ हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी थी और लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी आप देखिएगा कि 20 सीटें अभी हैं इनकी उसमें विधानसभा में, तो आप देखिएगा कि मतलब 4-6 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया। मेरे को तो एक चीज़ ऐसी ये नज़र आती है कि उस समय जो एंटी बीजेपी जो वोट थे वो सारे के सारे MVA को मिले और वो लोग और वो सारे के सारे वोट अब वापस आ गए और उनका जो एक संविधान वाला था अब तो ऐसे ही लगता है कि वो एक तुक्का था या क्या था। एक चीज़ उनकी चल गई, उसके बाद हरियाणा का इलेक्शन वो हारे, उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन वो हारे और झारखंड में भी जो उनकी जो भी उनकी स्थिति है वो स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो का उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है।